Okay. Started, started. Now understand that conservation of energy. So what will we do? This is IC 1 of lecture sheet 3. Okay. Now understand that total energy at A is equal to total energy at B. So shall I say that potential energy plus kinetic energy at A is equal to potential energy plus kinetic energy at point B. Okay. Sir, where is B? This is B, this is B. Where it is retracing its path. This is A. Now understand one thing. If the distance is infinite, though there will be no repulsion. So I'll say that the energy due to attraction or repulsion is zero. That is, potential energy is zero. So I have a kinetic energy of m half into mass of alpha particle into v naught square, which was the initial velocity of this alpha particle v naught. Take care. And that will be equal to, now that tell me at a point where it retraces its path, what should be the velocity of it? Zero. Zero. So what is the kinetic energy of it? Zero. What is the potential energy? Q1, Q2 by 4 pi epsilon naught r. So Q1 is the charge on alpha particle, 2 electronic charge. Q2 is charge on nucleus, that is Z times electronic charge, divided by 4 pi epsilon naught, what is that, r. So I'll get the distance of closest approach r as 2ze square divided by 4 pi epsilon naught into half mv square. No, the half will come above. So into 2, I'll say again here, and I'll get m alpha v naught square. Any doubt in that? सर इसमें आर डिस्टेंस बिटवीन है ना क्या सर आर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और पार्टिकल है ना हाँ 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 उसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं ठीक है अब एक बात बताओ एक मिनट जेड से क्यों हुआ अरे एक बात बताओ समझो मेरी बात को Q1 Q2 है ना Q1 का मतलब हो गया चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल सब सुनो एक मिनट ठीक है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा जितना चार्ज इस अल्फा पार्टिकल के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास दो प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं अल्फा पार्टिकल के अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव टू टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है दो प्रोटॉन है दो टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया इसके अंदर जेड एटॉमिक नंबर तो जेड टाइम प्रोटॉन हुआ जब जेड टाइम प्रोटॉन्स हुआ तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो गया जेड टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है माउस की सेंसिटिविटी लो नहीं कर सकते ये पैड है बेटा सेंसिटिविटी नहीं है मैंने इसकी लो कर रखी है किसकी पैड की और आई जस्ट चेक वन मोर टाइम ठीक है गिव मी अ मिनट कैन वी यूज के इंस्टेड ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ यू कैन यूज के बट द थिंग इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग के इफ यू नो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन अ वेरी नाइस वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इनटू 10 टू द पावर 9 हाँ तो वी ऑलरेडी नो दैट राइट सो व्हाई विल आई डू दैट बेटा सेंसिटिविटी पांगे सर ऑप्शन में टाइपिंग का भी ऑप्शन रहेगा कौन सा टाइपिंग ऑप्शन बेटा कहना क्या चाहते हो
अब एक बात बताओ, आर कैसे फाइंड किया? अच्छा एक बात बताओ, एक ओके चल। हाँ मैंने क्या किया, आर कैसे फाइंड आउट किया? आर मुझे एक चीज पता है कि जितना काइनेटिक टोटल एनर्जी ए में होगा उतना ही टोटल एनर्जी बी में होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए किया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी किया। पोटेंशियल एनर्जी ए पे जीरो रहेगा बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस से रिपल्शन नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। तुमको यही यूज करना चाहिए। एक बात बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लोगे अगर सही में न्यूमेरिकल की तरह फॉर्म में आया तो? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 AMU राइट अप्रोक्सीमेटली। यस सर। आर अगर 4 AMU होगा तो 4 × 1.66 × 10⁻²⁷ kg लोगे, करेक्ट? यस। वेरी गुड। अरे नहीं काटना बेटा, क्योंकि 4 πε₀ की वैल्यू बताया मेरे को, तो नहीं काटूंगा मैं। आई विल बी कैलकुलेटिंग आउट द आंसर लाइक दिस। अच्छा वैसे एक्सप्रेशन वाइज कैलकुलेट करना तो 4 4 काट देना, ठीक है? वन पॉइंट सिक्स सेवन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा उससे भी। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे ना अब वो चाहिए दोबारा से, एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसके अंदर इन्होंने बोला मुझे कि ये सीन है, काम गया। वो कह रहे हैं कि ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच आर ले लिया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस आर वन जो कि आर से ज्यादा है। तो एक बात बताओ, अगर एक केस लिया मैंने जहां पे मेरे को यहां से अल्फा पार्टिकल लिया, अगर मैंने यहां से अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां पर जो कि है आर वन, तो क्या इलेक्ट्रॉन रुकेगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल रुकेगा क्या? अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा वी करके, यस ठीक है? वो तो रुक के यहाँ पे रहा था ना, मैंने इससे पहले ही यहाँ पे मुझे इसको विलास की वेलोसिटी चाहिए, तो अगेन मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाऊंगा। सो आई सिंपली से दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इधर एंड इस पॉइंट को सी ले लो शुड बी इक्वल टू, वन सेकेंड, आई हैव टेकन अ पॉइंट सी हियर राइट, और यहाँ पे वेलोसिटी वी मान लेते हो, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो आई विल बी गेटिंग काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एट पॉइंट ए। एक बार बताओ, ए के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी क्या? डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो रिपल्शन जीरो, अट्रैक्शन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना आएगा? हाफ इंटू एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी एट सी आ जाएगा हाफ एम अल्फा v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? q1 q2 by 4 pi epsilon not r लिखूंगा कि r1 लिखूंगा? r1 r1 तुम्हारा z 4 तो सॉरी नॉट 4 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
चार्ज ऑन न्यूक्लियस z टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 गेटिंग इट। अब तुमको वेलोसिटी v चाहिए तो वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हो v नॉट और r1 की टर्म्स के अंदर। टोटल एनर्जी सेम कैसे हुआ बेटा? टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहता है ना। देखो जहां पे तुमको सारी वैल्यूज नहीं दे रखी होती तो तुमको एक्सप्रेशन वाइज छोड़ना होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो तुमको पता लग जाएगा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। सिंपल, इतना सोचना क्यों उसके बारे में? राइट, ओके, आगे चले। ये क्वेश्चन समझ में आया या किसी को भी डाउट है? सर टू इलेक्ट्रॉन इंटू जेड इलेक्ट्रॉन कैसे आया? ओके सुनो यार मेरी बात बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वन क्यू टू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू वन है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। तो मुझे बताओ चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा? तुमको तो सब पता है ना चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा? हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? नहीं नहीं हाँ दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है? अगर हीलियम न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और वो न्यूक्लियस ही है जो दूसरे न्यूक्लियस के साथ रिपेल कर रहा है, तो टू टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा अल्फा पार्टिकल के लिए? Yes, तो उसको टू टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखा, तो दैट विल कम आउट टू बी टू टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक बार बताओ ये एक न्यूक्लियस भी अटैक कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो मतलब जेड टाइम प्रोटॉन हुआ तो वो जेड टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। अभी किसी को डाउट इसके अंदर? Yes. चलो बढ़िया, शैल आई रैप दिस नाउ? एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर थिंग? यस सर, बट वेट वेट टू राइट। हाँ, अरे देयर इज अ वीडियो इज रिकॉर्डिंग, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, नॉट अ बिग डील। ओके, very simple to rub this off, it's not like bow type stuff. Acha, itna ho gaya, I will go to some other question now. Yes sir. Yes, very good, now it'll get clear. Now there's a question that Even the above example, the initial projection speed is increased from V naught. Sir, answer is coming in terms of Z and V. हाँ तो क्या हो गया? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, you have to keep in that way only, not a big deal. Chill out. You understand the concept, that is more important. Right? Concept ज्यादा important होता है. If the above example, the initial projection speed is increased from V naught to 2 V naught, then predict if the new closest approach will be larger or smaller. You tell me. It's a very simple common sense. अगर मैंने speed बढ़ा दिया alpha particle का कि और pass में जाके repel करेगा कि पहले repel हो जाएगा? और pass जाके। हाँ तो pass क्या? हाँ तो radius क्या हो जाएगा? Closest approach क्या हो जाएगा इससे? कम हो जाएगा। Common sense है। तुमको अगर इसको उसके हिसाब से सॉल्व करना है, किसके हिसाब से? न्यूमेरिकल के हिसाब से। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, तुमको पता है कि एवरी टाइम व्हाटएवर यू विल डू हियर इज समथिंग लाइक दिस, कि तुम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, तो डायरेक्टली बोल देते हो तुम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, यही बोलते हो ना? तो अगर मैंने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर
is equal to 2z e square by 4 pi epsilon naught. ये ले लो पहला वाला closest distance of approach. दूसरा वाला closest distance of approach क्या हो जाएगा? Obviously बात है, जब velocity को तुमने 2 time v naught किया तो kinetic energy हो जाएगा half into m alpha into 2 times v naught, मतलब 4 v naught square हो गया, correct? Is equal to again it'll become 2z e square q1 q2 by 4 pi epsilon naught. दूसरा आ जाएगा इसमें distance of closest approach r dash. अगर r dash और r को compare करो तो इसमें r जो होगा r इधर चला जाएगा, तो r will go to this side and this overall term will come here. Here also r dash will go to this side and this overall term will go here, come here. Tell me, this term and this term has a difference only with respect to this charge, right? And we know that r dash will become 1 by 4 times. So shall I say that r dash becomes 1 by 4 times r? Jab dono ko divide karoge to yehi aayega. Yes, sir. So obviously baat hai, jo distance of closest approach hai, wo kya ho gaya? 1 by 4 time ho gaya. सिंपल काम हो गया, ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके बाद लेक्चर 3 में कोई डाउट है? तो सर वन सेकंड, ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 3 था, लेक्चर 3 था. वेरी गुड. लेक्चर 4 कहाँ गया? अच्छा इसमें सॉल्यूशन दे रखे है ना. लेक्चर 4 कोई डाउट? लेक्चर 4 IC6. ओके, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2. अच्छा सुनो 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 IC2 IC6, ठीक है. अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन है. IC2, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस. या वाओ, टेल मी एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू h न्यू, व्हिच विल बी इक्वल टू 6.63 into 10 raised to power minus 34 into frequency है 5 into 10 power 14. ये किसका एनर्जी है? एक फोटोन का एनर्जी है भैया. एक मोल में कितनी स्पीशीज होती है? 6.022 into 10 raised to power 23. अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ फोटोन मतलब 6.022 into 10 raised to power 23 फोटोन. Getting it? Give me a minute. 1 minute, huh? ओके, आवाज आ रही है?
तो मैंने कहा एक मोल फोटोन का मतलब हो गया 6.022 इनटू 10^23 फोटॉन्स, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया आईसी टू का, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इनटू 10^23 इनटू एच न्यू. डन. हेलो, यू अंडरस्टूड दैट? यस सर. यस सर. नो सर. नो सर. आईसी सिक्स. The bond energy of Br2 is 194 kilojoule per mole. The minimum wavelength of photon required to break this bond will be, you tell me. I have Br2. So this is Br, this is Br, right? And the bond energy given to me is 194 kilojoule per mole. Right? And मुझे क्या करना है? The minimum wavelength, wave number of photon which is required to break the bond will be. यार मैं ना थोड़ा जुगाड़ करूंगा इसमें, पता है क्या जुगाड़ करूंगा? इस पूरा किलोजूल पर मोल को ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालूंगा. उसको कन्वर्ट करने के लिए 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 1312 से डिवाइड कर दो. बस मेरे पास जो भी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन है, किलोजूल पर मोल है, तो किलोजूल पर मोल को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये लगेगा. बिकॉज वी नो दैट एनर्जी ऑफ बोहर मॉडल से पता लग गया था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था पर एटम. पर एटम मतलब पर फोटोन पर यूनिट. और एनर्जी क्या है? 1312 किलोजूल पर मोल. तो दोनों को इक्वेट करोगे तो किलोजूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा. कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर. नहीं ना. अच्छा एक बारी बात सुनो, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा? 2.01 आ गया. तो 2 ही ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते. ठीक है, अगर फोटॉन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो लैम्डा कितना आएगा? 1240 एंगस्ट्रॉम बाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेरी गुड. तो कितना आया? 6200 एंगस्ट्रॉम. डन. खत्म. क्वेश्चन ओवर. बेटा जूस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. आर नॉट कहां लिया मैंने इसमें? बेटा वेर इज आर नॉट? वेर आई हैव टेकन आर नॉट? वेर इज आर नॉट? अच्छा, आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां पे अल्फा पार्टिकल रुक जाता है. सी द क्वेश्चन इट इज गिवन ओवर द. ओके, इतना समझ में आया? ये शॉर्टकट किस किस को समझ में आया? सर समझ में आया. सर समझ में. 1312 मैंने निकाला था बहुत टाइम पहले, अगर याद हो. कैलकुलेशन ऑफ बोहर एनर्जी निकाला था, तो उसके अंदर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी दिया था, किलो जूल पर मोल में भी दिया था. ठीक है, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था. मैंने कहा था एनर्जी को अगर किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना है तो डेट विल बी लाइक -1312 बाय इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल. राइट. हाँ, तो वो कम वो फैक्टर है. चलो चलो रब दिस नाउ, आगे चलें. चलो विल मूव अहेड. ठीक है, दिस वाज लेक्चर 4. यू टेल मी लेक्चर 5, एनी डाउट? Lecture 5-8. This is lecture 5. IC 8.
IC4, IC5, lecture 5, can you please explain the graph? Okay, I'll explain the graph. What is, where is that graph? Sir, black body radiation. As a black body radiation, tomorrow I'll do in class. Don't worry about that. In class, we'll be doing tomorrow that black body radiation stuff. But one second. Mujhe bas ye batao ki page 21 graph, theek hai? Page 21 mein graph kaun sa hai? 8, 9 chahiye tumko uske andar. Okay. यार एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तो एलिमेंट्स के बीच की बात है, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो क्या ये ऐसे कैसे आया. एनर्जी रुक जाओ, ओके अच्छा. ई के डिनोट्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड एफ डिनोट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. नाउ एक बात बताओ, इतना तो हम लोगों को पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू what is that? Your applied energy h nu minus h nu naught. यही होता काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता विच इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो अगर मैं इसको y एक्सिस में डाल रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में इसको x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी डाला है तो ये x एक्सिस हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया एंड ये हो जाएगा माइनस सी एंड दैट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव. इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है दैट विल बी ठीक है. तो यहां से एक बार बताओ, m इज पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए या फिर ऐसे बनना चाहिए? ये पॉजिटिव स्लोप को डिनोट करता है. यस सर. है ना, द स्लोप इज पॉजिटिव. यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव. तो एक बार बताओ, स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन इस तरह ऐसे आनी चाहिए. सो आई एम गेटिंग द लाइन दैट वे. नाउ चक्कर क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो ऑब्वियसली कहीं यहाँ पे कटेगा. अगर यहाँ पे कट रहा है तो इट विल बी लाइक दिस. आई गेस ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम है कि अलग अलग है? ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा. कोई डाउट इसके अंदर? इसमें दिक्कत क्या है सर? इन हाइपोथेटिकल केस इफ वर्क फंक्शन इज जीरो, देन बेटा कोई भी रेडिएशन डाल दो, इलेक्ट्रॉन निकलना ही निकलना है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड. ऑलरेडी निकला हुआ है तो उसको निकालने के लिए कोई रेडिएशन की जरूरत ही नहीं है. मतलब वो ऐसा स्पीशीज हो गया जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विदाउट फोटोन दे रहा है. इलेक्ट्रॉन निकला हुआ ऑलरेडी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ए समझ में आई बात? ये इस वाले ग्राफ के अंदर और इस वाले ग्राफ में फर्क क्या है? उसके अंदर नीचे प्लॉट नहीं कर रखा, बस आउट ऑफ से विच इज लीस्ट मेटालिक. द मेटल विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, जिसका वर्क फंक्शन कम है इट इज मेटालिक, इट इज मोर मेटालिक. जिसका वेव फंक्शन वर्क फंक्शन ज्यादा है इट इज लेस मेटालिक.
ओके व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर यू टेल मी व्हाट इज वेव नंबर वेव नंबर क्या होता है यू आर आस्किंग मी द यूनिट ऑफ वेव नंबर यू टेल मी व्हाट इज वेव नंबर 1/λ तो लैम्डा किस में कन्वर्ट होता है मीटर इनवर्स हो जाएगा ना यूनिट लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर राइट तो लैम्डा मीटर और लैम्डा की जो वैल्यू होती है मीटर नैनोमीटर में आती है ना तो वेव नंबर क्या होगा मीटर इनवर्स मीटर्स पर मीटर मीटर इज मीटर इनवर्स ओके हटाऊं इसको अब बात करते हैं किसकी कहाँ है एक बार तुम डाउट दोबारा लिखोगे क्या IC9 है और बता दो यार एक बार दोबारा बता दो आईसी वाला बता दो कौन कौन सा आईसी 8 है 8 है 9 है और ओके IC1 नहीं IC2 नहीं IC3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 5 डालना है क्या अच्छा एक बात बताओ 5 ना डू वी हैव टू स्टडी फ्रॉम बुक और यूट्यूब रिकॉर्डिंग फॉर टेस्ट बेटा यू स्टडी फ्रॉम द वीडियो लेक्चर विच इज गिवन टू यू राइट द नोट्स विच यू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ एंड गेट इट वेल वर्स इन अ वेरी लॉजिकल वे नेवर यूज मल्टीपल बुक फॉर थ्योरी पार्ट Right and solve properly the solve all the questions properly from this colorful booklet or the question which is given to you. ठीक है मैं एक चीज पूछ रहा हूँ question number 5 तुम सबको दिख रहा है question number 5 को पढ़ो मुझे बिना pen और paper use करे हुए बता दो क्या होना चाहिए More than 2k why? It will be more than k, k, 2k. Why? More than 2k why? ऐसा क्या? नहीं, it will be 2k, right? नहीं नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? If a light of frequency nu one is made incident upon a metal of kinetic energy, k max निकलता है, ठीक है? ठीक है? It was found to be k one. Then if light of frequency 2v1 is used, then k max will be k two. अभी क्या बताऊं सपोज मैं न्यू को 10 रुपये मान लेता हूं मनी टर्म में बात करते हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं वर्क फंक्शन को मान लेता हूं 2 रुपीस तो अगर मैंने एक को 10 रुपीस दिए तो उसने 2 रुपीस दिए तो बाकी दूसरा कितना लेके भागा बोलो 8 रुपीस राइट अगर मैंने उसी को 20 रुपीज दी और उसने लेने ही 2 रुपए तो दूसरे के पास क्या आ जाएगा 18 तो 18 और 8 में क्या डिफरेंस है क्या 8 का इनटू 2 16 होता है 16 18 इज ग्रेटर देन 16 समझ में आई बात समझ में आई तो जो 18 है वो 16 से ज्यादा ही है ना सर तो मोर देन के वन भी तो करेक्ट है अच्छा विच इज एक्चुअली मोर एप्रोप्रिएटली करेक्ट है इज समथिंग लाइक इट विल बी तो ये एमसीक्यू होएगा ना जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं एक्चुअली सही कह रहे हो मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक क्वेश्चन में मोर देन के ही नहीं आना चाहिए था के ही वन ओके डन कोई दिक्कत यहाँ पे लेस देन के ही वन आना चाहिए Too tough to be solved. What the hell? Hey, Dan? Yes, sir. Very good. Shall we move ahead? Sir, वापस समझाओ ना हाँ बेटा सुनो ना अगर एक बार बताओ
दे आर टू पीपल, या छोड़ टू पीपल छोड़, एक वो ले ले मेटल ले ले, ठीक है, वहां पे तुमने एक बार एनर्जी ई दी, दूसरी टाइम एनर्जी टू ई दी, ठीक है, लेट्स से एनर्जी है तुम्हारा 10 और एनर्जी है तुम्हारा 20, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 चाहिए, 2 जूल्स, और तुमने 20 जूल और 10 जूल दिया। एक बात बताओ, 10 जूल दिया, उसको निकलने के लिए 2 जूल चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 8 है ना। अब 20 दिया, उसको निकलने के लिए 2 जूल चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 18 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी आई, दैट इज ग्रेटर देन 8 × 2 ना, कॉमन मैथमेटिक्स है बात। तो आंसर विल बी दिस, मोर देन 2 के ही बात। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लिसन, 5 के बाद 8, 9 था, राइट? ये 8 है और ये 9 है। अरे भाई जरा हो जाए, दिस 8 एंड 9, ठीक है। व्हाट वी विल डू हियर, ओके, क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोजेक्टेड I7, रुको, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट, फाइंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वाओ, एक बार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैंने वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो जिस तरीके से एक्सेलरेट होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, बताया तुम लोगों को। अगर चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की टर्म्स में रखूं और पोटेंशियल को मैं वोल्ट्स में रखूं, तो वी वोल्ट्स लिख दिया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वी टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करवाया था तुमको। अगर 100 वोल्ट लिया हम लोगों ने, तो 100 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया, तो इलेक्ट्रॉन के पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर 10 वोल्ट लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर 3 वोल्ट लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा? 3। खत्म, फिनिश। अरे भाई छोड़ो ना, ये तुमको क्लास में बताया था ना, बोला था कि पोटेंशियल का काम सेम होता है, नाम अलग अलग होता है काम के हिसाब से, राइट? अ चार्ज पार्टिकल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, वेरी गुड। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसको ना मैंने प्रोजेक्ट किया एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नाउ फ्रॉम नेगेटिव प्लेट विथ Ke1 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसके पास जो Ke1 था दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नाउ व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल व्हाट शुड बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट सो दैट द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट स्ट्राइक द पॉजिटिव प्लेट? What is the minimum potential that should be applied between the plates? Okay, ये कह रहा है एक negative plate है, जहाँ पे मेरे पास इसके पास जो charge है, जो kinetic energy 12 electron volt है, वो कह रहा है मैं minimum यहाँ पे कितना potential डालूँ, minimum यहाँ पे कितना potential डालूँ ताकि ये electron इसके पास जाए ही नहीं, उल्टा रिपेल हो जाए, मतलब उल्टा रुक जाए। तो तुम ही बताओ, अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कोई चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको रिपेल करना है वापस से ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मेरे को रोकना है तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे पोटेंशियल डालना पड़ेगा ताकि वो उसको रोक दे। तो शैल आई से दैट चार्ज इनटू पोटेंशियल, जो भी मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहा हूँ, शुड बी इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना तो मानते हो?
यस रिटार्डिंग पोटेंशियल, करेक्ट बोल रहे, गेटिंग इट नाउ। एक बात बताओ, अगर मैंने, मेरे को यहाँ पे कितना पोटेंशियल डालना पड़ेगा ताकि ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाए, व्हाट द चार्ज इन दिस नेगेटिव पार्ट? 3 कितना? 3 तो 3 ई ले लो इनटू पोटेंशियल वी ले लो, तो वी कितना आ जाएगा? 12 ई वी बाय 3 ई, दैट इज 4 वी, दैट इज 4 वोल्ट। कोई डाउट उसके अंदर? नो सर, नो सर। हाँ ग्रेट, आईसीई 7 हो गया, 8 हो गया, 9। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग इनिशियली कार्डिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डी एक्सेलरेटेड अंडर 2 वोल्ट्स, वेरी गुड। सर 3E कैसे आया बेटा? दिया हुआ है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज, देखो तो चार्ज इनटू पोटेंशियल के चार्ज दे रखा है ना, इसलिए 3E आया, क्वेश्चन में दे रखा है। मैं क्या करूं? गेटिंग अ पॉइंट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Okay, an alpha particle having kinetic energy 10 electron volt is deaccelerated under 2 volts. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एक alpha particle है, ठीक है, पहले तो उसमें बताओ charge कितना है? Everyone just tell me the charge on alpha particle. 2e. 2 times. 2e. कोई doubt? चलो great. अगर ये 2e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूव कर रहा है विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मस्ट एनर्जी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो तुमने क्या किया यहाँ पे ना, डी एक्सेलरेट किया। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है उसको रिपेल करना, तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है, तो तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया 2 वोल्ट, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा? व्हाट विल डू टू दिस अल्फा पार्टिकल? It'll just repel that. और ये रिपेल करेगा किसी पर्टिकुलर एनर्जी से। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। कोई डाउट? चार्ज कितना है इस अल्फा पार्टिकल के अंदर? 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना वोल्ट लगाया तुमने? 2 वोल्ट। तो 2 × 2 कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा था, इस डायरेक्शन में तुमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो बचा कितना काइनेटिक एनर्जी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस दिस अल्फा पार्टिकल नाउ विल मूव विद अ पोटेंशियल ऑफ, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम किया तुमने, वो पूछ रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आई गेस यू कम टू नो दैट। इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। अच्छा उसके बाद फर्दर रिटार्डिंग पोटेंशियल टू बी अप्लाइड फॉर द अल्फा पार्टिकल टू स्टॉप। तुम बताओ इस पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए ताकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वापस से मिले, तो ऑब्वियसली मैं कितना लगाऊं यहाँ पे दोबारा से? 3 वोल्ट। बस हो गया ना। एक और बार सर, ओके एक बार पूछ सुन लो पहले कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। जो बच्चे इसमें इशू फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि अगर कोई भी चार्ज तुमको एक्स टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है और अगर मैं उसको डायरेक्टली पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करूं, पोटेंशियल सपोज करो 100 वोल्ट दे रखा है, तो हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी थी चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है 100, चार्ज है एक्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो आई जस्ट मल्टीप्लाई दैट थिंग एक्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू 100 वोल्ट, तो होगा क्या? एक्स इनटू 100 विल बिकम 100x and electron into volt will become electron volt. Understood? तो इसमें भी यही किया हम लोगों ने कि एक अल्फा पार्टिकल जो था वो पहले मूव कर रहा था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से, तो इट वॉज जस्ट मूविंग विद द एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने क्या किया, एक रिटार्डेशन पोटेंशियल लगाया जो कि 2 वोल्ट का था, सो ऑब्वियसली पॉजिटिव वोल्ट एंड पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल विल गेट रिपेल,
इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, तुमने इस डायरेक्शन से इसमें रिपेल किया, कितना रिपेल किया, चार्ज इंटू वेलोसिटी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कितना इसके पास, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, तो 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिपेल हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इधर आ रहा था, तुमने चार्ज से रिपेल इधर किया, तो धक्का दिया चार्ज से, 6 से यहां से आ रहा था, तो बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जीरो कर दो भाई साहब, हमको नहीं चाहिए, तो पोटेंशियल वी लिया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये यहाँ पे आ रहा है, इसके पास चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो अगेन चार्ज इंटू पोटेंशियल, 2 × पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 वोल्ट आएगा, ताकि इससे रिपेल हो जाए और नेट जीरो हो जाए। एग्रीड? यस सर। ग्रेट। ओके नाउ 9 हो गया, 9 भी हो गया। इसके अलावा ये तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कल करते हैं, बहुत सिंपल है, खत्म हो गया, यही था इसमें। अच्छा लेक्चर 6 में कान का जो डाउट है, लेक्चर 6 में 7वां डाउट है, और 7वां डाउट है, ठीक है, 7वें के अलावा 5वां डाउट है, 5 और 7 लेक्चर 6। हाँ बेटा 5वां और 7वां, 5th और 6th बिल्डो, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। हाँ हाँ बेटा 5वां 7वां दोनों करेंगे, 5th और 7th वी आर डूइंग, ठीक है चलो। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+, Li2+ at the first orbit of C+5, right? This is lecture 6, right? I don't know, I just go with the physics. Give me a minute. Lecture 6, ठीक है। Find the ratio of time period of rotation of electron in the second orbit of Li2+ to that of first orbit of C+5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार बताओ, time period का मतलब क्या होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन एक
न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड का मतलब होगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कवर वन फुल रोटेशन फ्रॉम दिस साइड टू लाइक दिस, कोई दिक्कत? अब इसको 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 2 पाई आर बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी, कोई डाउट? नो, नहीं ना। अब एक बात तुम मुझे बताओ, टाइम पीरियड विल बिकम इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 2 इनटू पाई इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 मीटर इनटू एन स्क्वायर बाय z, ये फॉर्मूला है, ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी दैट इज 2.18 इनटू 10^6 इनटू z बाय n, z ऊपर z बाय n हो गया, इनटू n इनटू n क्यूब बाय n z स्क्वायर। डन, नाउ अंडरस्टैंड दैट ये सब कुछ फिक्स्ड है, इनका एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ के, ये कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से आ जाएगा, बड़ी जरूरत नहीं याद रखने की, कितनी चीज याद रखोगे, रखना नहीं अपने को, k इंटू एन क्यू बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो मुझे पता लग गया जो टाइम पीरियड है ना that is directly proportional to n cube, inversely proportional to z square. अब find the ratio, जहाँ ratio की बात आई तो उसको मैं directly divide कर सकता हूँ ना, तो time period of li2 plus to the time period of नहीं, you cannot divide velocity because it also depends on radius. Radius also changes with the shell at atomic number. If the radius is also changing with the atomic number, you cannot directly divide with velocity. You will not get the answer because distance will be different. Time period of Li 2 plus to the time period of C plus 5. will be equal to कितना कितना आएगा 2 cube by 3 square upon 1 cube by value of lithium, क्या बोल रहा है lithium का n value क्या है second orbit, so 2 cube divided by what is that value of lithium 3 square into what is the n value pehla 1 only right into z square, what is the z of carbon? 6. Understood? Yes, yeah. Sir. Yes, sir. Yes, sir. It'll get 4, correct? So it'll become 2^5. 32, right? Yes, sir. ओके लिसन, तेरे को कैलकुलेशन पार्ट देखना है कि टाइम पीरियड पार्ट देखना है? सी व्हेन द टाइम पीरियड इज देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो टी वन बाय टी टू एक मिनट, अंडरस्टैंड दैट आई हैव टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू n1 cube by z1 square into n2 cube by z2 square. मैंने कुछ नहीं किया, second shell के लिए 2 डाला, इसका z है तेरा 3 डाला, तो 2 cube by 3 square, तो आगे 2 cube by 3 square. Carbon के अंदर n is given as 1, तो I have entered 1 cube and z square is कितना 6 square. So I'll be getting this. Any doubt on that? You understood? कैसे आया ये? कहाँ गया? Okay. आगे चलें? Yes, sir. अच्छा, lecture 6, 7th आना, 7th. You have to finish question number 7 here, right?
के का वैल्यू कैसे फाइंड किया? नहीं किया मैंने, रेशियो किया तो के कट गया, क्यों करूंगा मैं के का वैल्यू? जब रेशियो फाइंड आउट किया तो के और के कट जाएगा ना बेटा, मैं क्यों करूं? देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग माय टाइम एंड एनर्जी इन दैट, है ना? रेशियो में कट जाएगा ना के का वैल्यू, है कि नहीं? और टाइम पीरियड के लिए मैंने 2 पाई आर और वी निकाला, तो आर वाला फॉर्म में डाल दिया, वी वाला फॉर्म में डाल दिया, तो अपने आप आ जाता है वो, सिंपल। अच्छा, IC7 कंप्लीट द फिजिकल क्वांटिटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एन। क्या ये कौन सा क्वेश्चन है? कंप्लीट द फिजिकल क्वांटिटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एन। अच्छा, ये है ये कंपेयरिंग वेलोसिटी जेड एंड एन का रेशियो निकालना है इसके अंदर, राइट? रेशियो इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एन, सुनो सुन लो क्या क्या दे रखा है। आई एम सो हैप्पी, I've got a lot of space here. Listen, I got velocity, right? Now velocity kya hai? Velocity is equal to 2.18 into 10 is to power 6 into z by n. Ye velocity formula. So z by n is like this. Radius. Radius ka formula kya hai? 0.529 angstrom into n square by z. Time period अभी निकाला, time period is equal to 2 pi r by v. So I got it as 2 pi into 0.529 angstrom, which is I made to test my 10 meter. Into n square by z. And below, I'll be getting 2.18 into 10 to power 6 into z by n. So I'll get n cube by z. Frequency. Frequency is inversely proportional to time period, right? Frequency will become inversely proportional to time period. Is actually equal to time inverse of time period. So jo maine frequency ke liye time period ke liye likha, usko inverse kar do. So it'll be like 2.18. into 10 is to power 6 into z square by 2 pi into 0.529 into 10 is to power minus 10 into n cube. That is frequency. Force, what is force? Centripetal force पूछ रहा है वो, हमेशा mv square by r होता है ना, है कि नहीं? यस सर। फोर्स किसके इक्वल होता है? एमवी स्क्वायर बाय आर। ये किया था डेरिवेशन के अंदर, एम हो गया तुम्हारा 9.1 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 केजी। वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 2.18 इनटू 10 रेज टू पावर 6 होल स्क्वायर इनटू जेड बाय एन, मतलब जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर इज 0.529 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो जेड विल कम अबव एन स्क्वायर एन फोर। तो अगर मैं सारे फॉर्मूलेस को देखूं तो वेलोसिटी जेड बाय एन पे डिपेंड करता है, रेडियस एन स्क्वायर बाय जेड पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड तुम्हारा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब पे डिपेंड करता है, फोर्स तुम्हारा जेड क्यूब बाय एन फोर, जेड क्यूब बाय एन फोर पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू मा, याद है ना? यस सर।
तो डिवाइड बाय एम कर दो तो ये कट जाएगा बस, बाकी अगेन सेम चीज आएगी, जेड स्क्वायर बाय एन फोर। जेड क्यूब बाय एन फोर। हाँ कौन बोला चार्ट में कुछ बेटा? एक बार बताओ, जब बोहर का मॉडल हम कर रहे हैं तो बोहर के मॉडल के अंदर ये तुम्हारा शेल है, ठीक है, एंड ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है ना, तो रिवॉल्व तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, तो अगर जो भी फॉर्मूले लगेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही लगेंगे ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? 9.1 × 10⁻³⁻³ kg आएगा, तो सारे में एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लगाऊंगा उसके अंदर। या आगे चले, you understood how they are have, like they are giving all this stuff, force or acceleration ka same rahega zero mein, ha understood, bol do ha, yes sir, okay। तो आई गेस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा करते हैं बेटा, देखो ना सब करेंगे, टेंशन मत लो। अटक गया, आई हेट व्हेन दिस लैपटॉप स्टक, अंडरस्टूड। यहाँ पे अब दिस इज लेक्चर कौन सा 7 है राइट, लेक्चर 7 का डाउट पूछो अगर है तो, सर एक बार आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन एनर्जी एक्सप्लेन करो ना प्लीज। ओके सुन लो, सीन क्या है, सुन लो। ओके ना लिखते हो आप, IC456 ठीक है करते हैं। एक मिनट, देखा तुमने पिज़्ज़ा? या ओके ओके नाउ लिसन, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? बाद में। अरे बेटा म्यूट कर लो,
रहे हैं, क्या बोल रहे हो सर? अरे पढ़ना बाय। ओके नाउ आई हैव ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का तो मतलब सबको पता है कि लोवेस्ट लेवल पे एनर्जी कितनी है। व्हेन एन इज इक्वल टू 1 देयर इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। इफ एन इज इक्वल टू 2 इट इज नोन एज, दीज आर ऑल नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स। इन सबको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से लेके इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखो मुझे पता है, मुझे ना इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है, तो अगर एटम से बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है -13.6, तो मुझे उसको कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा? 13.6 से ज्यादा दिया तो मिनिमम एनर्जी क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी, अंडरस्टूड? अब क्या मतलब हुआ इसका? मिनिमम एनर्जी राइट, उससे निकल जाएगा। तो कितना एनर्जी मिनिमम देना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन -13.6 है तो? आयनाइजेशन पोटेंशियल है। एक बात बताओ, समझना इस चीज को, ये पोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना। मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ इस इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी अगर सपोज करो 10 वोल्ट से मैंने इसको रिपेल किया। इतना पोटेंशियल डालूंगा उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगा इसके अंदर, है ना? Yes, sir. अगर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और मेरे को उसको इंफिनिटी पे लेके जाने का है, तो उधर कितना पोटेंशियल लगाऊं? -13.6 क्या हो गया? जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतना ही उसका पोटेंशियल लगाऊंगा, तो ये निकलेगा जीरो पे। तो इस केस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना पोटेंशियल लगना होता है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? हाँ, इट इज एन आयनाइजेशन एनर्जी ओनली। हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल तक किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं, कहते हैं। तुम एनर्जी हीट की फॉर्म में दे दो। ओके, हाँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी सेम चीज है, एंड यूनिट्स में डिफरेंस है। Stationary state is shell number. Stationary state is shell number. अरे सुनो ये बात, अरे यार सुनो, अभी कहाँ थे हम लोग? What is his name? रुको, ओके,
AK009. सुनो, अभी भी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में डाउट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो सेकंड शेल में, सेकंड शेल में हाइड्रोजन एटम के, इट हैज एनर्जी ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको यहाँ पे लेके जाने के लिए इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी 3.4, पर अगर इसको पोटेंशियल से मैं एक्सेलरेट करूँ तो आई विल अप्लाई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल, वोल्ट पोटेंशियल, सो दैट इट रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन, अगेन एनर्जी गेन विल बी देयर। सो ये और ये सेम ही है, बट चक्कर क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और डायरेक्टली पोटेंशियल है, कुछ नहीं उसके अलावा, जितना एनर्जी चाहिए होगा उतना ही पोटेंशियल लगा दो। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल बनना समझ में आ गया तुम लोगों को, एनर्जी और पोटेंशियल में ज्यादा फर्क नहीं है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल आई एम गिविंग द एनर्जी टू इट। गुड बेटा, ओके नाउ binding energy or separation energy, the energy required to move an electron from a state to n is equal to infinity, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो इन्फिनिटी पे, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, getting it? Separation energy, ionization energy, binding energy, synonyms. Generally आयोनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, सेपरेशन एनर्जी कैन बी एज अ टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट? नो सर। व्हाट? नो सर, नो सर, नो डाउट। अब मुझे बताओ आईसी कौन से करने, IC3 तो ऊपर चला गया ना, 6 and 7, 3, 6, 7, okay, 4, 5. What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from N5 to N2 in hydrogen atom? अच्छा, एक बात बताओ, हाइड्रोजन एटम में, राइट, N2 से N5 में क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चाहिए फोटोन का, ओके, ये एक बात बताओ, सेकेंड लेवल का एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ लेवल का एनर्जी कितना है, .5. तो डिफरेंस कितना हुआ इसके और इसके बीच में, 1 बेटा, 5 से 2 की बात हो रही है, फाइव से टू की बात हो रही है, ये 5 है, 2.7 नहीं, 1 मैंने लिखा नहीं है, 2.7 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 2.8, ओके 2.9 लिख लूं बेटा, 2.9 लिख लूं, यस सर, 2.8 लिख दो, हां 2.8 लिख दो, बाय 2.8 लिख दो सर, 3.4 में से 0.5 जाएगा तो 2.9 बचता है ना,
यस हाँ सर हाँ सर तो अगर इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितना है दोनों के डिफरेंस के अंदर देखो तो आ जाएगा 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही फोटोन का एनर्जी होगा जो ट्रांसमिट जो निकलेगा वहां से। अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो लैम्डा कितना आएगा 12400 एंगस्ट्रॉम बाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.9 करेक्ट। हेलो I'll do one thing. Just take a break for nearly 5 minutes, right? Then we'll continue. So? Okay, sir. Not five. You take 10 minutes. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Food ho lo, kuch kha pi lo, and 10 minutes baad milo, hai na? Four, five, and seven. Yeah, initial only. Ground state. Second excited state means third shell. Correct. Question number seven, right? Six. Okay. The binding energy of hydrogen-like system correspond to the second excited state is given by 13.5 electron volt. Very good. Keh raha hai. Hydrogen-like species hai. Uska jo second excited state hai na, ye wala. Right. 1, 2, 3. Iska jo energy hai, that is 13.5 electron volt. Then identify the sample. Obviously, ground level, third level पे मैं बोल सकता हूँ energy कितनी हो सकती है -13.6 electron volt into z square by n square और वो दे रखी है -13.5 तो approximately 1 ही कर दूँ उसको और तो हो जाएगा z square is equal to n square तो z is equal to n हो जाएगा obviously n क्या दे रखा three तो z क्या हो जाएगा 3 दैट मींस कौन सा आयन हो जाएगा Li2+ आयन Li2+ या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड लेवल से इंफिनिटी तक ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे -13.6 into 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आई गेस अब कर लोगे राइट सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल तक इसका हो जाएगा सेकेंड पे -3.4 × 9 थर्ड पे हो जाएगा -0.1.5 × 9 वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट वेरी गुड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो फोटॉन का एनर्जी क्या होगा इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा 10.2 × 9 एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा 10.2 × 9 अगर 10.2 × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है तो लैम्डा तो पता ही लग जाएगा 12400 डिवाइड बाय 10.2 × 9 तो ये सीन है सर सी में 2 से 4 जाएगा ना सेकंड स्टेट टू थर्ड स्टेट सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट हां 4 से 2 में जाएगा 4 से 2 में जाएगा 4 से 3 में जाएगा ना सर सेकंड स्टेट सेकंड स्टेट है मतलब n इक्वल टू 2 थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 से 2 जाएगा एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से यहां पे मिसप्रिंट है यहां पे भी एक्साइटेड होना चाहिए था बट ठीक है फोर्थ लेवल से 2 लेवल पे जाएगा ठीक है ना
इसके हिसाब से 4 से 2 पे जाना चाहिए. सेवंथ, द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट. ओके, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट सैंपल इज, यार एक बात बताओ, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब N1 से N2 पे इलेक्ट्रॉन गया, राइट, उसको 15 वोल्ट दे रखा है. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ये पोटेंशियल रिपेल कर रहा है तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? अगर इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है तो एनर्जी एनर्जी कितना हो जाएगा? जो पोटेंशियल होता है उतना एनर्जी होता है. 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, N1 से N2 में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे. द सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द सैंपल इज, ओके, सो लेट्स से दैट आई रिक्वायर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच विल बी इक्वल टू रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, इट नॉट रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, एनर्जी. तो एक काम करें, एनर्जी को मान लेते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ये एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई अलग ही सैंपल है तो उसकी जगह मैं के ले लूं. एनीवेज के का रेशियो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 की जगह k ले लिया, k z स्क्वायर को z स्क्वायर भी सेम है तो बचा क्या n स्क्वायर, तो k बाय n स्क्वायर ले लिया. अब वो कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इज सेइंग दैट इट इज टेकिंग 15 वोल्ट. सो शैल आई से दैट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस दैट इज k इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर बाय 1 बाय नॉट गेटिंग फील वेट I have a hydrogen-like species from n is equal to 1 to n is equal to 2. The energy difference comes out to be 15 electron volt. 15 volt से excite कर रहा है. 1 से 3 पे लेके जाना है. Right. Shall I say that 15 electron volt will be equal to energy of 2 minus energy of 1. And x electron volt is equal to energy of 3 minus energy of 1. ये सही है? कोई doubt उसके अंदर? No doubt sir. नहीं ना? No sir. आप सुनो. तो दोनों का ratio ले लेते हैं. x by 15. e2 minus e1. मैं 13.6 into z square को ना minus 13.6 into z square divide by n square. 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को मैं के ले रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. ये हो जाएगा के ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. कोई डाउट? कोई डाउट? सर ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है. हाँ वैसा ही है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट भी वहीं से आया ना. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट द बिग डील, होल नंबर आया तो सही है ना. मैं डायरेक्टली काट दूंगा, मैं क्यों करूं इतनी मेहनत. तो डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो आई विल बी गेटिंग 9-1 दैट इज 8/9 और 3-4-1 दैट इज 3 × 4. तो
बेटा वो कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, लंबा मेथड पड़ेगा, SS1012 लंबा मेथड पड़ेगा। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ बस इसका रेशियो आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू, आंसर क्या दे रखा? तो 5 × 40, 40 × 4, 160, 160 × 9 कितना आता है? 17.72। ये पीसफुल है ना? हाँ बट मैं रेशियो ले लिया ना। Getting it. ये समझ में नहीं आया, ये इसका एनर्जी डिफरेंस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका एनर्जी डिफरेंस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो E2 - E1। मैंने कह दिया कि भैया एनर्जी को 13.6 है ना, इंटू जेड स्क्वायर को k ले लिया, ताकि k कट जाए आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली वो सॉल्व हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 13.6 as it is रखा, तो समझ में नहीं आने वाली क्या सीन है ना बेटा? बेटा IE7 है, IC7। ASS, you understood that? ये समझ में आया? एलिमेंट निकालना है क्या इसके अंदर हमको, या सिर्फ एनर्जी निकालनी है? I don't have to calculate element, right? I have to calculate energy. He's saying only ionization potential. So why will I be bothering about the element? Kuch bhi ho. It's okay. Not a big deal. अरे लंबा method होगा ना, फालतू में क्यों z निकालूं? Right. Done. आगे चले। यस सर। हाँ इस लेक्चर में कौन सा डाउट? ओके दस एंड तेरह, दस से तेरह, ओके एक मिनट, टेन टू ट्वेल्व, only four lines are visible in Bamma, first four lines are visible in Bamma, but the overall spectrum is known as visible spectrum,
पहली चार लाइन विजिबल है, पूरे स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए बट बोलते हैं। ओके लिसन, शैल वी स्टार्ट 10 to 13। बोला जाता है अब क्या कर सकते हैं, बामर को विजिबल बोला जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन गलत सॉल्व किए इन लोगों ने। ओनली फोर लाइंस आर विजिबल, दैट्स इट इन द बामर रीजन। ओके 10, an electron de-excites from Na to N6 in lithium 2 plus ion, find the corresponding excitation hydrogen atom. या तुमको एक चीज बताई थी अगर याद हो तो, सुनो याद करो, तुमको बताया था कि N1 by Z1 is equal to N2 by Z2 होता है। याद करो कि मैंने कहा था कि अगर हाइड्रोजन के अंदर 2 से 1 जा रहा है, हीलियम के अंदर वही करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4 से 2 बोला था। लिथियम टू प्लस के अंदर क्या होगा, वो Z से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, क्या हो जाएगा ये 6 से 3। मैंने बोला था ना, उसके बाद जब हमने कैलकुलेट किया था तो N1 by Z1 = N2 by Z2 आया था। अब वो कह रहा है कि लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है N8 से N6 में in lithium 2 plus ion, the corresponding excitation hydrogen atom, helium ion and C5 plus ion will be, अब एक काम करते हैं, N दे रखा 8, तो N by Z ले लें, तो 8 by 3 should be equal to, वो corresponding hydrogen atom के लिए क्या होगा, X by 1, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes sir. तो मैंने बोला था किसी भी transition के लिए ना, Z by n कांस्टेंट होता है, तो अगर क्या कहते हैं N1 जो है वो लिथियम का 6 है और N2 क्या है तुम्हारा 8 है, तो अगर लिथियम का 8 है तो करेस्पॉन्डिंग N2 हाइड्रोजन के लिए, करेस्पॉन्डिंग N2 हीलियम के लिए, करेस्पॉन्डिंग N2 कार्बन के लिए कितना होना चाहिए, और करेस्पॉन्डिंग N1 हाइड्रोजन हीलियम और कार्बन के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। अब समझना इस चीज को, अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉन 8 से 6 में जा रहा है तो करस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, 8 जेड बाय एन कॉन्स्टेंट है, फिर एन बाय जेड कॉन्स्टेंट है, तो एन ये रहा 8, जेड कितना हो गया लिथियम का 3, शुड बी इक्वल टू एन हाइड्रोजन का हो गया एन, और Z क्या होगा हाइड्रोजन का 1, तो मतलब जो N वैल्यू आ रही है वो 8/3 आ रही है। कोई शेल नंबर आ रहा है क्या मेरे पास, या डेसिमल में आंसर आ रहा है? डेसिमल में आंसर आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए करता, ये जो ट्रांजिशन है लिथियम की हाइड्रोजन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, इतना समझ में आया? यस सर। हां, और अगर मैं वरिष्ठ सर, why is this, I just understand one thing, take note, samjho, lithium ka electron 8th level se 6th level pe aa raha hai, ye likha hai na, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एनर्जी हाइड्रोजन में, हीलियम में और कार्बन में कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। हाँ बेटा पढ़ाता हूँ, ठीक है, 8 से 6 ये तुम्हारा Li2+ में है, मुझे हाइड्रोजन में चाहिए, मुझे HE+ में चाहिए और मुझे कार्बन +5 में चाहिए,
ठीक है, लिथियम 2 प्लस का जेड वैल्यू है 3, इसका जेड वैल्यू है 1, इसका जेड वैल्यू है 2, इसका जेड वैल्यू है 6, गेटिंग अ पॉइंट। अब करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन चाहिए मेरे को, मैंने कहा था किसी भी करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए ना एन बाय जेड सेम होता है, तो अगर इसका एन वैल्यू 8 है तो इसका 8 बाय 3, जेड है 3, इसका 8 बाय 3 शुड बी इक्वल टू एन बाय 1 फॉर हाइड्रोजन, एन बाय 2 फॉर हीलियम और एन बाय 6 फॉर कार्बन होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर फॉर हाइड्रोजन के लिए देखूँ मैं एन वैल्यू, हीलियम के लिए देखूँ मैं एन वैल्यू और कार्बन के लिए देखूँ मैं एन वैल्यू, तो 8 बाय 3 कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है क्या इसके अंदर? नहीं सर। नहीं ना, हाइड्रोजन के लिए ये ट्रांजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, कोई शेल नंबर डिफाइन ही नहीं है उसके लिए। हीलियम का जेड वैल्यू 2 है तो 2 2, इसमें भी 16 बाय 3, कोई इंटीजर वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं सर। हीलियम के लिए भी डिफाइन नहीं है। अब कार्बन के लिए आ जाओ, तो 3 से गया ये 2, तो कार्बन में कितना हो जाएगा एन वैल्यू? 16। यस सर। राइट, और जब ये एन 6 है, ये एन 6 है, अरे यार कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? 16, और एन कितना है? 6। इसका एन अगर 6 है तो यहाँ पे 6 पुट करूँ, ये गया 2 से डिवाइड हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, तो क्या हो जाएगा? 6 × 2 = 12। 16 से 12 वाला जो ट्रांजिशन है और 8 से 6 वाला ट्रांजिशन है लिथियम और कार्बन का सेम होगा, बाकी सबका सेम नहीं होगा। इतना समझ में आया? तो मतलब सेम एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन विल बी एग्जैक्टली सेम। कोई दिक्कत? पेज नंबर 45। ओके ओके, इतना आ गया, करते सब करते, रुको 10-11 डाउट है कि 11 इज डाउट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। अगर लिथियम के अंदर कोई भी ट्रांजिशन 2 से 1 पे हो रही है, ठीक है, और लेट्स से 3 से 1 पे हो रही है, वही करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कार्बन के अंदर कब होगी? वही एन जेड वाला फॉर्मूला लगा लें, तो अगर 1 है तो लिथियम के लिए अगर एन 1 है और जेड 3 है, कार्बन के लिए वही एन एन होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ये 2 हो गया। सो लेट्स से दैट एन ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एन ऑफ, क्या कहते हैं इसको, लिथियम। तो एन ऑफ कार्बन करेस्पॉन्डिंगली शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स एन ऑफ लिथियम, मतलब अगर 2 से 1 जा रहा है तो यही ट्रांजिशन जो होगी वो 4 से 2 होगी, अगर 3 से 1 जा रहा है यही ट्रांजिशन तुम्हारी 6 से 2 होगी, अगर 1 से 4 जा रहा है तो 8 से 2 होगी, अगर सपोज करो 3 से 2 जा रहा है तो 3 × 2 क्या हो गया? 6, तो 6 से, और 2 × 2 क्या हो गया? 4, तो 6 से 4 वाली ट्रांजिशन ये वाली ट्रांजिशन होगी। मतलब एक बात बताओ, लिथियम की सारी ट्रांजिशन कार्बन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है? यस सर। क्या ये कार्बन की ट्रांजिशन लिथियम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है क्या?
जो भी ऑड नंबर वाली है वो नहीं एग्जिस्ट करती लेते हैं। नहीं सारी करेंगे ना बेटा सर, ऑड नंबर वाली कार्बन की बात कर रहे हो। हाँ सर कार्बन की ऑड नंबर, कार्बन की ऑड नंबर वाली नहीं करेंगे, बट लिथियम की सारी इसके अंदर करेंगे ना, जितनी yes, भी लिथियम के अंदर ट्रांजिशन हो रही हैं वो कार्बन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, बट कार्बन की सारी ट्रांजिशन के लिथियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे? नो सर, नहीं ना, तो लिथियम सबसेट होगा कार्बन का, ही कार्बन सबसेट होगा लिथियम का, लिथियम सबसेट होगा कार्बन का। हाँ अंडरस्टूड, ट्रांजिशन ऑफ लिथियम आज सबसेट ऑफ कार्बन, अंडरस्टूड। इतना समझ में आया? तो इसमें डी भी राइट ऑप्शन है ना, ऑल ट्रांजिशन ऑफ कार्बन आर नॉट, हाँ डी भी राइट ऑप्शन है। बेटा क्या कैसे फाइंड किया? मैंने कैसे फाइंड किया? ओके okay. मैंने क्या बोला कि मेरे को पता है ये वाला फॉर्मूला वैलिड है कि n1 वन बाय जेड वन इज इक्वल टू एन टू बाय जेड टू, सो एन वन बाय जेड वन इज इक्वल टू एन टू बाय जेड टू। लेट्स से ये लिथियम के लिए और ये कार्बन के लिए, तो करिस्पॉन्डिंग n वैल्यू ऑफ कार्बन शुड बी इक्वल टू n वैल्यू ऑफ लिथियम इन टू जेड ऑफ कार्बन बाय जेड ऑफ लिथियम। जेड ऑफ कार्बन कितना दे रखा है? छ, जेड ऑफ लिथियम तीन, एन ऑफ लिथियम एन एल आई गया ये दो। शेल ऐसे जो भी शेल होगा कार्बन का जिसका एनर्जी सेम होगा लिथियम का, वो शेल नंबर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर लिथियम का पहले शेल का एनर्जी एक्स है तो वही एनर्जी इसका शेल कार्बन के अंदर टू एक्स पे अवेलेबल होगा, मल्टीप्लाई बाय टू। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर स्पेक्ट्रम में बात करूं स्पेक्ट्रम की, तो लिथियम का स्पेक्ट्रम 1 2 3 4 5 6, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, यही एनर्जी लाइंस कार्बन के अंदर इसके मल्टीपल ऑफ 2 में एग्जिस्ट करेंगी। तो उस केस के अंदर इट बी लाइक इन द कार्बन इट एग्जिस्ट लाइक कार्बन के अंदर जस्ट दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो छठे लेवल की एनर्जी 12 लेवल वाली एनर्जी जितनी है, पांचवे लेवल की एनर्जी 10 लेवल वाली एनर्जी है। तो मतलब जितनी भी ट्रांजिशन यहाँ हो रही है वही करस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, बट कार्बन की सारी एनर्जी लिथियम के अंदर नहीं होगी। अच्छा ट्रांजिशन ऑफ एच एच सी लिथियम आर सबसेट ऑफ सी, नहीं बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम एच करके देखते हैं, रुको, जेड ऑफ कार्बन ले लो छ, ठीक है, जेड ऑफ कार्बन ले लिया छ इंटू दिस इज एन ऑफ कार्बन शुड बी इक्वल टू एन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई जेड ऑफ हाइड्रोजन। तो हाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, दो में भी एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तीन में भी एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, हाँ सब करेंगे। कार्बन सिक्स प्लस के अंदर हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम तीनों का सबसेट होगा, आराम से होगा, ठीक है। तो लिथियम के जितनी भी एनर्जीज है ना, जितनी भी एनर्जीज की जो एनर्जीज आ रही हैं वो सारी कार्बन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जो लिथियम फोटॉन्स देगा वही कार्बन भी फोटॉन्स देगा, बट कार्बन एक्स्ट्रा फोटॉन्स देगा, तो लिथियम इज अ सबसेट ऑफ कार्बन, मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। कोई डाउट इसके अंदर?
बेटा कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ओके ओके नाउ कहाँ हम लोग? अ पर्टिकुलर एक्साइटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एट एन वन इज फर्दर एक्साइटेड टू एन टू बाय फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड व्हेन एल आई टू प्लस ए सैंपल डी एक्साइटेड फ्रॉम एन ट्वेल्व टू एन सिक्स। अब मेरी बात सुनो, अगर लिथियम, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अगर लिथियम 12 से 6 पे ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हाइड्रोजन के अंदर डिवाइड बाय 3 करो 4, और डिवाइड बाय 3 करो 2, तो 4 से 2 पे हाइड्रोजन के अंदर होगी ना, वही 12 से 6 पे लिथियम के अंदर होगी। तो 4 से 2 पे एक ट्रांजिशन हो रही है हाइड्रोजन पे, वो कहाँ से हो रही है? एक फोटोन जो 12 से 6 पे आ रहा है, तो 12 से 6 वाला एनर्जी 4 से 2 वाला एनर्जी के इक्वल है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन दिस सैंपल इज डी एक्साइटेड अ फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी विल कॉज विच ट्रांजिशन इन बी 3 प्लस सैंपल? ठीक है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के अंदर, वो सेकंड लेवल से फोर्थ लेवल पे गया क्योंकि इतनी एनर्जी लिथियम ने दी थी उसको, तो हाईएस्ट लेवल तुम्हारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी देगा, दैट इज 4 to 1 आएगा, तो एक फोटोन देगा, ये फोटोन तुम्हारा बेरिलियम का कौन सा ट्रांजिशन करेगा? यार एक बार बताओ, हाइड्रोजन जो है वो है तुम्हारा 1 to 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इनटू 4 करो 1 को, क्या आएगा? 16। इनटू 4 करो 16, तो 4 से 16 वाला ट्रांजिशन तुम्हारा 4 to 1 कॉज करेगा, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नो सर। बात समझ में आई? वही काम कर रहा हूँ मैं, जेड बैंड लगा रहा हूँ बार बार। सर वो 1 to 4 क्यों है? ऊपर तो 2 to 4 जा रहा था ना। बेटा एक बात बता, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? When this sample is de-excited, the photon of maximum energy. तो maximum energy कब आएगा इस photon का? अच्छा okay, वो 4 से maximum energy है, ठीक है। ओके अभी कैन यू एक्सप्लेन अगेन, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? अच्छा रुको एक मिनट, मैं जो चीज पूछू ना, बस मुझे वो बताना, ठीक है? मुझे एक बात बताओ कि लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे आया, करेक्ट? तो कौन सा शेल नंबर दे रखा था लिथियम के अंदर? ये 12 और 6। कितना? 12 और 6। जो फोटॉन यहां से निकला उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया हाइड्रोजन के अंदर, दिस इज लिथियम, हाइड्रोजन के अंदर फ्रॉम N1 टू N2। ठीक है, मुझे पता करना है कितना है, ठीक है? मैंने अभी क्या बोला तुमको, ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों सेम होंगी, तो लिथियम का Z3 है, हाइड्रोजन का Z1 है, तो मैंने तुमको अभी बोला था कि N/Z शुड बी इक्वल टू N/Z होगा, तो ये इसमें N की वैल्यू क्या होगी? 4। तो हाइड्रोजन के लिए वो N वैल्यू 4 हो गई। सिमिलरली N/Z दैट इज 6/3 शुड बी इक्वल टू N/Z, 6/3 कितना हो गया? 2।
तो दो से चार वाली ट्रांजिशन और छह से बारह वाली ट्रांजिशन सेम आ रही है, इतना समझ में आया। अब जो ये फोटोन इधर गिर रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन पे गिर रहा है, देन दिस इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन टू एन इज इक्वल टू फोर, गेटिंग इट। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया हाईएस्ट लेवल पे दो पे, फिर वो कह रहा है कि इस हाईएस्ट लेवल से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है जो मैक्सिमम एनर्जी देगा, मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, जब फोर से कहां पे जाएगा, वन पे जाएगा, एग्रीड। जब ये फोर से वन पे गया तो एक फोटोन दिया इसने, अभी वो कह रहा है कि बेरिलियम के अंदर ये फोटोन कहां से कहां तक ट्रांजिशन करवाएगा। बेरिलियम थ्री प्लस का आयन दे रखा है, इसका जेड वैल्यू होता है चार, अगर जेड वैल्यू फोर है तो अगेन मैं कह सकता हूं ना एन बाय जेड, मतलब बेरिलियम के केस के अंदर एन बाय फोर शुड बी इक्वल टू व्हाट द एन लेवल ऑफ दिस वन, वन बाय वन जेड वन है इसका हाइड्रोजन का, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एक अगर शेल वन है हाइड्रोजन के अंदर उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी बेरिलियम कहाँ पे रखता है, फोर्थ शेल पे, राइट राइट यस सर। एंड इसके अंदर क्या होगा, अगर एन टू फोर है तो अगर एन टू को फोर डाल दिया मैंने तो इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल कितना होगा, सोलह। सो चार से एक वाला ट्रांजिशन सोलह से चार वाले ट्रांजिशन को पर्टेन करता है, कोई डाउट। तो अगर ये फोटोन दे रहा है हाइड्रोजन एटम तो इलेक्ट्रॉन चौथे शेल वाला एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रहा है, वो सोलहवें शेल पे, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ डन, ये सीन है। डन, अरे डन, यस यस ओके। SS012 यू अंडरस्टूड दैट? कैसी आवाज है निकाल रहे भाई, ठीक है। नाउ नाउ इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल ऑल द आयन्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। When electron make a transition to the ground state, six different types of photons are observed. एक बार बताओ, इससे सिंपल तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। अगर छह फोटॉन्स आए हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी आई, छह। अगर स्पेक्ट्रल लाइन छह आई है तो मतलब n into n minus 1 by 2 comes out to be how much? Six. N की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर। तो हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ लेवल पे है, ओके। इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल उसका जो एन इज इक्वल टू फोर लेवल है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन टू अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इफ द सेकेंड एक्साइटेड पोटेंशियल ऑफ द सैंपल इज 193.64 वोल्ट, मतलब एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है मेरे को, जो वोल्ट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो, एग्री। तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए, मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू वन से लेके अगर n इज इक्वल टू थ्री तक लेके जाना है मेरे को उसको, तो मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई डाउट इसके अंदर? तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ए वन, और इसका एनर्जी होता है 13.6, कितना होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, कोई डाउट? इसका होता है माइनस 1.5 इंटू जेड स्क्वायर, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ,
पहले और तीसरे के अंदर 12.1 into z square should be equal to 193.6 right. तो 12.1 को जरा डिवाइड करना 193.6 से, आई गेस किस में जाएगा ये 8 से जाएगा, नहीं 16 नहीं, आप क्या कह रहे हो, ये जाएगा, हाँ 16 पे जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो अगर ये 16 पे गया, इसको काटा तो नियरली 16 आएगा, तो z की वैल्यू क्या हो गई? 4 मतलब कौन सा हो गया ये? बेरिलियम 3 प्लस आयन, कोई डाउट? नो सर। बाकी कर सकते हो? आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड लेवल पे 13.6 है, तो इनटू 4 से 8 इनटू 16 कर दो सर, बस आई एक बार देखिए क्या भाई, एक मिनट रुको, क्या कहा? आई पार्ट आई number of lines not in visible range. Okay. Excited state का मतलब होता है n plus 1. अगर level 1 है तो excited state 0, ground level बोलेंगे. अगर n is equal to 2 है तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, और अगर n इज इक्वल टू 3 है उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे. फॉर्मूला टू यूज इन केस ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. बेटा देखो, अगर गैस सैंपल है ना, अच्छा SS012 तुम एक काम करना, क्लास के बाद मेरे को कॉल करना, I'll clarify everything. मैं बताता हूँ करना क्या अभी, ठीक है? या ठीक है. Now in general doubts sir, I get confused which formula to use in case of spectral lines. बेटा बहुत simple है, अगर sample है तो n into n minus 1 by 2, और अगर simple electron है, single electron है, तो n minus 1 आएगा. Now understand, someone asked me this doubt. Which one? Number of lines not in visible range. Yaar ek baat batao. Millikan experiment ka observation electronic charge nikalna tha beta. Ki oil drop kab stationary ho rahe hain. तो इसका आंसर आ गया, बट वो पीछे वाले आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा आई का. मैं करता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है. एक बार आई को देखो, आई का मतलब क्या है इसके अंदर, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना. मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल लाइंस कब होंगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे आएगा, 3 से 2 विजिबल है, 4 से 2 विजिबल है, 5 से 2 विजिबल है, 6 से 2 विजिबल है, ये 4 लाइन विजिबल है कि नहीं है? ऐसा. अच्छा, यही करेस्पॉन्डिंग लाइन बेरिलियम के अंदर क्या होंगी? अगर ये हाइड्रोजन के अंदर विजिबल है तो करेस्पॉन्डिंग लाइन बेरिलियम के लिए क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 4 कौन सा सेल होगा? इंटू एटॉमिक नंबर करो, कितना आएगा? 8. इसके अंदर कितना आएगा? 3 के लिए कितना आएगा? 12. 12. 4 के लिए कितना आएगा? 16. 16. एक बात बताओ, इसके अंदर n कितना है मैक्सिमम? 4 है ना. इसमें जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल है वो 3 से 2 है, मतलब 12 से 8 वाली है. तो क्या 12 से 8 वाली पॉसिबल होगी क्या, जब स्टार्टिंग सारे इलेक्ट्रॉन 4 पे ही पड़े हैं? तो
नहीं सर मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला अभी? विजिबल लाइन जो होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए करी है ना, हर एक स्पेक्ट्रम के लिए तो करी नहीं है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 विजिबल है, तो यही करेस्पॉन्डिंग विजिबल लाइन बेरिलियम के अंदर कब आएंगी? 12 से 8, 16 से 8, 20 से 8 और 24 से 8, कोई दिक्कत? जब इलेक्ट्रॉन ही बेरिलियम में चौथे शेल पे हैं, तो क्या ये ऊपर वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? नहीं सर। आर द नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजिबल रीजन? सारी की सारी 6 की 6। हाँ सर। बात समझ में आई? यस सर। अब ये मत कहना कि पीछे आंसर गलत लिखा हुआ है। वेरी गुड, चेक तो करिए पीछे आंसर। कितना है, कितना है लिखा, कितना है? वन सेकेंड। अरे यार ये चैट बॉक्स में कुछ इश्यू है, कैन यू प्लीज से हाय एनीवन एनीवन? या ओके प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा मैं स्पेक्ट्रम कब पढ़ाऊंगा? मैं अब कल ही पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम। और एक बार बताओ कितने लोगों को स्पेक्ट्रम पढ़ना है? सिर्फ हाथ खड़ा करो, सिर्फ हाथ खड़ा करना। एक, एक दो तीन चार पांच, सर आई का आंसर पीछे 3 दिया हुआ है, गलत लिखा है। आंसर बस वही डाउट था, मेरा भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, बस 6 लोग हैं। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके फाइन। लिसन, आज एक काम करना, मेरे को ना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे स्पेक्ट्रम लिख के अपना नाम लिख देना। क्या लिखोगे? स्पेक्ट्रम लिखना और अपना नाम लिखना और बैच लिखना। मैं सबको नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ उसको बुलाऊंगा जिसको स्पेक्ट्रम समझना है। गेटिंग इट? लेट इवनिंग में बुलाऊंगा बेटा, वो भी 1 घंटे के लिए, क्योंकि आधा पौना घंटा लगेगा स्पेक्ट्रम समझाने के लिए। दैट्स इट, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें खुल जाएं। यू विल आस्क मी, ठीक है, आई विल डू दैट। आज नहीं, शायद कल बुलाऊं, कल 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 इवनिंग क्लास के बाद। जब तक तुम वीडियो देखो, जो वीडियो अपलोडेड है ना स्पेक्ट्रम वाली, यू जस्ट गो थ्रू इट, एक बार वीडियो देखो, देन यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रॉम दैट देयर ओनली, ठीक है? ऑल इलेक्ट्रॉन एंड ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम देयरबाय देर आर नो विजिबल इलेक्ट्रॉन। हाँ, नहीं होगा कोई ट्रांजिशन ही नहीं होगा ना बेटा। ओके, 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 बताता हूँ।
एक क्वेश्चन है जे जे मतलब इफ अ सिंगल आइसोलेटेड एटम इज कंसिडर्ड इन द अबव सैंपल देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अरे यार एन माइनस वन एन चार है तो चार माइनस वन तीन तीन मैक्सिमम एक एक करके नीचे आ रहा है सिंगल के लिए एन माइनस वन होता है ना. अच्छा मेरी बात सुनो एक क्वेश्चन है ध्यान से सुनना क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन इसने पूछा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर में चार विजिबल लाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं 5 टू 2 4 टू 2 3 टू 2 एंड 6 टू 2 समझना है इस चीज को. हाँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैं यही लाइंस हीलियम में लेके आ रहा हूँ. हीलियम में लेके आने के लिए सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को ठीक है. तो टू इंटू टू फोर फोर थ्री इंटू टू सिक्स फोर इंटू टू एट एंड फाइव इंटू टू ट्वेल्व. हाँ सुनो 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 अब ध्यान से सुनो. अरे सुनो सुनो ध्यान से. yes, एक बात बताओ ये पूरा रीजन विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करेगा. yes. Yes, sir. ये रीजन रीजन विजिबल रीजन में है तो ये पूरा रीजन विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करेगा. yes, yes, sir. इसमें तीन से दो वाली लाइन विजिबल में है यहाँ से चार से छह वाली विजिबल में होगी राइट. yes. Yes. यहाँ से यहाँ पे जो तो चार से दो विजिबल में है यहाँ पे आठ से चार विजिबल में होगी. यस यस सर. व्हाट अबाउट सात से चार. जब ये पूरा रीजन विजिबल रीजन है तो सात से चार विजिबल होगी कि नहीं होगी. होगी सर. होगी होगी. कहाँ गया ये. ओके सर समझ गया मुझे. सर तो फिर हम इनटू जेड करके बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाले ना मतलब कौन सी शेल से कौन सी. एक्जेक्टली ओ केके 009. यस सर समझ गया समझ गया. ओके 7 ये रहा. अच्छा फिर 9 वाला भी विजिबल होगा 11 वाला भी विजिबल होगा बिकॉज़ एनर्जी रेंजेस है ना तो नंबर ऑफ विजिबल लाइंस इन अदर एलिमेंट्स विल बी लार्जर करेक्ट. यस आगे आईसी 13 हो गया. अरे तुम्हारा और कौन कौन सा लेक्चर है सर. आज फिजिक्स का एक डाउट लेक्चर है. डाउट लेक्चर किसका. फिजिक्स 132 Lecture 10. कोई डाउट इसके अंदर. द लोनलीनेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फिजिक्स. आईसी 13. तो हमने क्लास में कर लिया था ना. 13 इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 मेक अ ट्रांजिशन टू लोअर ऑर्बिट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 लैम्डा ऑफ फोटॉन एमिटेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एचएमसी. एक बात बताओ तो इतने कहां गए.
ओके ये एन टू लेवल है, ये एन वन लेवल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कितना है, लैम्डा टू। इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है कितना, लैम्डा वन। एग्रीड? हेलो, यस सर, यस सर, है ना यार, क्यों चैट करते हो यार बीच में। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोल सकते हो, अभी टाइम कम बचा है। अभी क्या कह रहा है कि यही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करता तो ये फोटोन देगा। फोटोन का लैम्डा चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा टू एंड लैम्डा वन, कोई डाउट? नो बाबा, कोई डाउट? नो सर, नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो शैल आई से दैट लैम्डा टू इज इक्वल टू एच बाय पी टू, मोमेंटम ऑफ फोटोन हियर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, लैम्डा वन इज इक्वल टू एच बाय पी वन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर, आई गॉट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर, आई गॉट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर, कोई डाउट? नो सर। हाँ मतलब, अरे मोमेंटम मिल गया ना इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा इज एच बाय पी, नो व्हाट इज पी, मोमेंटम ओनली। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दे रखा है तो मोमेंटम मिल जाएगा ना, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय टू एम इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अच्छा नहीं पता, मोमेंटम क्या होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एम करूंगा, तो एमवी का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, पी स्क्वायर बाय टू एम। बात समझ आ रही है? तो पी टू दे रखा है एच बाय लैमडा टू, पी वन दे रखा है एच बाय लैमडा वन, तो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाय टू एम ना, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय टू एम लैमडा टू स्क्वायर। ये मत बोलना सर कैसे, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाय टू एम लैमडा वन स्क्वायर, गलत है कि सही है? सही है। क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। किसी को कोई डाउट इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय टू एम, करेक्ट? तो एक बात बताओ, टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी शेल का माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। यस सर। शैल आई से दैट एनर्जी ऑफ फोटोन लिबरेटेड शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एन टू शेल माइनस एनर्जी ऑफ एन वन शेल, कह दो तुम्हें ये पता है, प्लीज कह दो ये तुमको पता है। Yes, sir. एनर्जी ऑफ एन टू शेल कितना होगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, हो जाएगा माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाय टू एम लैम्डा टू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एच स्क्वायर बाय टू एम लैम्डा वन स्क्वायर, कोई दिक्कत? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच न्यू विच इज एच सी बाय लैम्डा,
इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको आ जाएगा ना जो चाहिए। देखो मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी सिंपल कर देता हूँ, इससे ये गया तो मेरे पास आ जाएगा h by 2m lambda square minus h by 2m lambda square equal to c by lambda। अब इसका LCM लोगे तो lambda 2 square lambda 1 square 2m और lambda 2 square minus lambda 1 square और c multiply हो जाएगा तो टू एम आ गया बाहर, टू एम लैम्डा टू स्क्वायर माइनस लैम्डा वन स्क्वायर से निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? इन दोनों में से एक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली टू एम वाला आएगा, ये आएगा, डन। समझ में आई बात? यस सर। रब करो उसको। यस सर। ओके तो इसके अंदर बोहर भी लग रहा था, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टोटल एनर्जी वाला रिलेशन भी लग रहा था और इसके अंदर लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लैम्डा ऑफ फोटॉन को खेला है, तो लैम्डा ऑफ फोटॉन जो है वो एच सी बाय लैम्डा होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा, और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारा डी ब्रॉगली अंकल आ गए। अच्छा क्वेश्चन है, डन? यस सर। यस सर। चलो ग्रेट, चलो विल वाइंड अप नाउ, राइट? खावा लो कुछ, ठीक है, मस्ती करो, डिस्कस करते हैं कल परसों, दो दिन है ना अपने पास, सैटरडे संडे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा डाउट क्लास रखूंगा ताकि सारे डाउट्स खत्म हो जाए। आज कुछ प्रोडक्टिव तो हुआ कम से कम 3 घंटा, ठीक है? हाँ सर। चल बाय सर, करना प्लीज, बाय सर। जिन जिन लोगों को स्पेक्ट्रम में डाउट है ना, जो तुमको बोला है वो करना, प्लीज वीडियो देख लो पहले, वीडियो लेक्चर देखो एंड ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, और दिक्कत आ रहा तो मेरे को पूछो, है ना? होमवर्क के लिए थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर।